चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो। और वीडियो में हम देखेंगे आज कुछ क्वेश्चन। जैसे लिखा है आपको 1995 का 100 के पास का नंबर लिखना है, ठीक है। नियरेस्ट 10 करके हमने टॉपिक पढ़ा था, तो यहाँ पर हमें वही पता करना है। नियरेस्ट 100 यानी कि 100 के लगभग पास में जो आपको नंबर दिया हुआ है 1995, ठीक है। इसका 100 के निकट संख्या आपको लिखनी है कि 100 के पास में, 100 के पास में कौन सी होगी। तो देखिए 995 लगभग ये कहाँ पे पार कर चुका है, ठीक है। तो 100 के पास जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो 100 के पास में अगर हम यहाँ पे देखते हैं 999, फिर सीधा 1000 आ जाता, तो 1000 का एक यहाँ जुड़ जाएगा तो आपका लगभग आएगा 2000, ठीक है। समथिंग मतलब कहते हैं ना एस्टिमेट, अपन को यहाँ पर बताना है कि लगभग क्या होना चाहिए, ठीक है। 8279 का 100 के नियर, ठीक है। मैं ऐसे लिख देती हूँ क्वेश्चन, आप 100 के नियर क्या होगा। तो देखिए 279 हो चुका है, यहाँ पे आपका 800, तो 279। तो 100 के निकट अगर हम चाहते हैं कि क्या हो इसका आंसर, तो इसका होगा 8300, ठीक है। वाई बिकॉज देखिए 279 लगभग मतलब एग्जैक्ट 300 के पास ही पहुंच चुका है। अगर हम 200 का देखें तो काफ़ी दूर है, ठीक है। तो 300 इसका क्या होगा आंसर होगा 9054। इसका 100 के नियर आपको बताना है आंसर, ठीक है। नियरेस्ट 100 क्या होगा, तो देखिए 54 है यहाँ पर आपका, तो 54 है तो समथिंग यहाँ 100 पर पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें यहाँ पे 54 है, 54 से हम 100, ठीक है। और यहाँ पर आपका 50 पार कुछ का, तो 100 की कैटेगरी में आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 9100। चलिए और देखते हैं 2479, ठीक है। ये देखिए 2479 इसका 100 नियर बताना है आपको 100 के पास, ठीक है। 100 के पास क्या आंसर होगा, तो देखिए 100 के पास इसका आंसर होगा 479 हो ही चुका है, तो आपका आएगा 2500। लगभग ये 2500 के बराबर होगा, इसका जो नियरेस्ट होगा वो होगा 2500। 7562, ठीक है। अब देखिए 562 है, इसका 100 नियरेस्ट क्या होगा, 100 नियरेस्ट होगा 7600, ठीक है। 7600 ये हो गया आपके 100 नियर। अब हम बात करते हैं 1000 नियरेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। 1000 के पास में नियरेस्ट 1000, ठीक है। 1000 के पास समथिंग हमें चाहिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2778 इसका बताना है, तो 1000 के निकट क्या होगा, ठीक है। अब 1000 में पूरा आपको देखना होगा, ठीक है। तो इसका जो 1000 के निकट होगा वो होगा 3000, ठीक है। अभी हमसे 3 सेट देखते थे क्योंकि अब 100 की, अब यहाँ पर 1000 की बात की जाए तो आपको 1000 देखना पड़ेगा। जैसे 8569, तो क्या होगा इसका, 8569 पार कर चुका है, तो इसका होगा 9000, ठीक है। अगर बात की जाए 8301, तो देखिए 301 ही 500 पार नहीं किया, तो समथिंग इसका होगा 8000, तो ये 8000 होगा इसका, ठीक है। 1000 के निकट मतलब अगर 50 पार कर जाए, ठीक है, 60 आ जाए, 70 75, 80 की लाइन, 90 की लाइन, 95, तो ये सब कहाँ पे आ जाएंगे आपके, मतलब इनका 100 या 1000 के पास में हो जाएगा, मतलब आगे जाएगा इस दिस लाइन में। अगर इस लेस 50 है तो फिर कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। जैसे 800 और यहाँ पे 900 है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया 866, तो आपका इसका 100 के नियरेस्ट होगा 900। अगर इसी जगह मैंने लिख दिया होता 844, अब इसका 100 के निकट क्या होता 800, ठीक, क्योंकि 50 को पार नहीं किया। ऐसी 1000 में है 9900, 10000, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ मैं यार इधर 9000, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा, तो ये 9800 है, ये 900 है, तो 9800 के 1000 का पास कौन होगा, तो 800 पार कर चुका, तो आपका आंसर आएगा कितना, 10000। ये क्वेश्चन है 1 लाख में कितने सैकड़े, इसका मतलब है कि आपके पास 1 लाख है, 1 लाख में कितने 100 हैं, सैकड़े का मतलब है 100, ठीक है। तो 1 लाख हम लिख लेते हैं। देखिए 1 लाख में पूछा कितने 100 हैं, 100 कहाँ पे आता है, यहाँ पर, तो 100 के पहले कितना है 1000, तो कितने हैं ये, देखिए यहाँ पे 1000, ये सैकड़ा, तो आपका आंसर होगा 1000 सैकड़ा। ये काउंट करना है अपन को, 100 पूछा कितने 100 हैं, 100 हमने हटा दिया, कितने बचे 1000, ठीक है।
ठीक है, मतलब जब हम 1000 में 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, तब जाके हमें 1,00,000 मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। और देखते हैं 1,00,000 में कितने हजार होते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने हजार होते हैं, क्वेश्चन घूम चुका है, ये हो गया 1,00,000। उसने पूछा कितने हजार होते हैं, हजार कहाँ पे, ये इन हजार को यहाँ पे पार्ट कर लिया। अब देखिए कितने हजार होते हैं, 100, कितने होते हैं, 100,000 होते हैं, ठीक है। तो उसने सैकड़ा पूछा, लेकिन अब उसने पूछा कि कितने हजार होते हैं, तो 100,000 होते हैं, ये होगा आपका आंसर। अगला है 10,00,000 में कितने हजार होते, ठीक है, तो पहले 10,00,000 लिख लीजिए, ये 10,00,000 हो गया। कितने हजार होते हैं, हजार को आप पार्ट कर लीजिए, ठीक है, तो जो हजार है वो हमने हटा लिया, तो कितने हजार होते हैं, एक हजार वाला एक सिस्टम हमने अलग कर लिया क्योंकि मुझे हजार चाहिए, तो हजार के बाद देखिए कितना बचा, 1,000, मतलब 1,000 हजार होते हैं। वाई, बिकॉज अगर आप 1,000 में 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,00,000, ठीक है, 10,00,000 हमारे पर यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, 1,000 में कितने सैकड़े होते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास लिखा है 1,000, इसमें हाउ मच 100, कितनी 100 है, ठीक है, कितनी 100 है। तो देखिए 1,000 लिखा, इसमें कितनी 100 है, मतलब जो 100 वाला हिस्सा है उसे आप हटा दो, ये तो कितना बचा 10, मतलब 10 को जब हम 100 से गुणा करते हैं तब जाके हमें 1,000 मिलता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10 सैकड़े, मतलब जब 10 100 होंगे तब जाके आपका 1,000 बनेगा। अब आता है 10,000, ये लिखा है 10,000, तो 10,000 में कितने 100 हैं, ठीक है, कितनी 100 हैं आपको बताना है, ठीक है, 10,000 में। बात वही है, 10,000 कब बनेगा, ये हो गया 10,000 कब बनेगा, कितनी 100 हैं 10,000 में, तो देखिए जब 100 में 100 से गुणा किया जाता है तब आपको मिलते हैं 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसका मतलब कि 10,000 में 100 सैकड़े होते हैं, कितने होते हैं, 100 सैकड़े होते हैं। 100 सैकड़े का मतलब है जब 100 100 को 100 बार हम करेंगे या 100 बार ऐड करेंगे या फिर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 10,000।